दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे बुलिश मारुबाजू। बुलिश मारुबाजू तो अब देखो दोस्तों कैसा है, कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है, कैंडल जो हम है हमको बताती है कि कहाँ हमको एंट्री लेना है, कहाँ हमको एग्जिट करना है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, वो सब सारी चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न से ही हमको पता चलती है। और ये मारुबाजू जो है ये एक हेल्दी कैंडल है और जो ट्रेंड जो है चेंज होने का हमें संकेत देती है। और मारुबाजू कैंडल कैसी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ और कहाँ पे बनी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अपना कैसा है ट्रेंड जो है चेंज होना चाहिए, ट्रेंड बेरिश होना चाहिए। ये हमारी कैंडल मार्केट जो है मार्केट का ट्रेंड इसमें बीच में अगर कोई एक आध ऐसी कैंडल बन जाए जो ग्रीन हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ये है इस मार्केट का ट्रेंड जो है ये बुलिश है और हमको जो है यहाँ पे यहाँ आने के बाद हमको ये एक हेल्दी कैंडल मिलती है ग्रीन। इसमें जो है ये नहीं रहेगा, इसमें विग नहीं रहेगी। अगर विग रहेगी भी तो छोटी विग रहेगी, एकदम बिल्कुल छोटी विग रहेगी, एकदम मामूली सी ऐसी छाया रहेगी। बाकी ये हेल्दी कैंडल होती है। अगर ये कैंडल बनती है और ये ऐसी नहीं बनती, जब भी ये बनेगी तो बड़ी कैंडल बनती है। और कभी कभी कैसा होता है कि एक दो छोटी छोटी कैंडल बन जाती है, छोटी कैंडल बनने के बाद एक मिनट में आपको दिखा रहा हूं। एक मिनट बता रहा हूं आपको, कभी कैसा होगा एक यहाँ पे ऐसी छोटी सी कैंडल बनी, फिर इसके ऊपर एक छोटी सी कैंडल बनी, फिर इसके बाद एक बड़ी सी मारुबाजू बनती है, बड़ी सी कैंडल बन गई। तो जहां पे ये कैंडल बनेगी इसके बाद हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, इस कैंडल के ऊपर हमको एंट्री लेना है। और इस कैंडल का नीचे वाला ये जो लो है यहाँ हमारा, ये हमारा एसएल है। इसके बाद जब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे तो बुलिश मारुबाजू जो है वो हमको तेजी का संकेत देती है, फिर इसके बाद ये चलती रहेगी ऊपर। ऐसे ऊपर की तरफ चलती जाएगी। तो बुलिश मारुबाजू जो है एक हेल्दी कैंडल है, ऐसी कैंडल बड़ी सी बनेगी जिसमें भी कहीं जरा से रहेगी तो ठीक है, या इस साइड में जरा से रहेगी तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं रहती, एकदम बिल्कुल ये बिल्कुल ग्रीन रहेगी, ये ग्रीन कैंडल रहेगी। अगर ग्रीन है तो बुलिश बोलते हैं, अगर यही कैंडल रेड हो गई, यही कैंडल अगर कोई कैंडल ये रेड होती है, अगर यही कैंडल रेड हो जाए, ऐसी कोई रेड कैंडल और टॉप में बन जाए, ऊपर में टॉप में बने, यानी यहाँ पे बन जाए, जैसे अभी ये क्या है
ट्रेंड बुलिश है और यहाँ पे मोरू बुजू बन जाए तो इसको बेरिस कहते हैं, बेरिस मारू बोजू, ये बेरिस मारू बोजू है। तो ये दोस्तों ये मारू बोजू जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल है और इसको कहाँ पे अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और बिल्कुल करेक्ट माइंडसेट के साथ में आप ट्रेड करिए, ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इसके बाद में हम जो है आपको कल बताएंगे, अगले वीडियो में हम ये बताएंगे बेरिस मोरू बुजू। और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।